करनाल के गांव रसीन में कोरोना के दो मामले सामने आए थे, जिनमें से एक किसान की मौत हो गई है जबकि उसका बेटा करनाल में आइसोलेशन में है। डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गांव को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। गांव में नाकेबंदी होने के कारण किसी को गांव से बाहर जाने व गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं है। किसानों के गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन ग्रामीणों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। किसानों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए विधायक हरविंदर कल्याण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव रसीन वानियों की समस्या सुनने हसनपुर गांव पहुंचे। ग्रामीणों की समस्या विधायक हरविंदर कल्याण के सामने रखी गई। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इसी के साथ गांव की कंबाइन को गेहूं काटने की परमिशन भी नहीं मिली। गांव के ट्रैक्टरों व रिपरों की रिपेयर भी नहीं हो पाई है। इसी के साथ गांव में पैसों की भी दिक्कत आ रही है। किसानों को सब्जी उगाने के लिए खाद व दवाइयों की जरूरत है, जिसके लिए शहर में जा नहीं सकते। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान करें, ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एसडीएम गौरव कुमार ने गांव के सरपंच राम मेहर को कहा कि वे सभी समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करके दें, ताकि सभी का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि गांव में 1 मई तक नाकेबंदी रहेगी, ताकि कोरोना का संक्रमण किसी भी तरह से ना फैल सके। यह सब कुछ ग्रामीणों की भलाई के लिए ही किया गया है, जिसके चलते परिणाम सफल हो रहे हैं। विधायक ने घरुंडा खाद्य आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर पूरी विधानसभा में राशन किट पहुंचा रहे कर्मचारियों, समाज सेवियों व भाजपा कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग से बातचीत कर पूरी स्थिति का जायजा लिया व इस संकट की घड़ी में सराहनीय व मानवतावादी कार्य के लिए बधाई दी। घरुंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, रसीन गाँव जो कि इन दिनों कंटेनमेंट जोन के अंदर है और यहाँ पर 2 कोरोना के पॉजिटिव केस आए थे, जिस कारण से कि ये पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है। यहाँ से कुछ विषय ऐसे आए थे क्योंकि फसल कटाई का समय है और ऐसे समय में जबकि चारों तरफ से गांव को सील किया हुआ है, तो वास्तव में कुछ दिक्कतें लोगों को इस समय में आई हुई हैं। तो आज वो सारी ऐसी विषयों की चर्चा की है कि कैसे वो सारे इंतजाम होंगे और रसीन गाँव की जितनी भी फसल जो कटाई की है उसके लिए मशीन जो गांव की ही मशीन है उसका प्रबंध, उसकी परमिशन और उसके अलावा और जो गांव वालों की ज़रूरतें हैं, कुछ लोगों की डिमांड ये भी आई है कि कुछ कैश की दिक्कत है तो उसके लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा और कुछ फसल की रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो ऐसे ये सभी विषयों की गाँव में बुनियादी करके ये सारी इंफॉर्मेशन गाँव की पंचायत इकट्ठी करेगी और वो प्रशासन के पास वो सारी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसी हिसाब से सारा इंतजाम किया जाएगा। और ये जो कंटेनमेंट जोन है, यहाँ पे फसल कटाई करने के बाद लगभग ये पूरा महीना 1 तारीख तक वो फसल भी अपने गांव में ही रखनी पड़ेगी, ऐसी गाइडलाइन जो WHO की है उसके हिसाब से ही सरकार ने ये सारी व्यवस्था बनाई हुई है। तो ये भी सब बैठ के चर्चा हुई है कि फसल काटने के बाद उसको ठीक तरीके से संभाल के रखें और किसी के पास अगर कोई जगह नहीं है तो उनकी भी पंचायत उसका भी इंतजाम करेगी ताकि जो फसल है वो ठीक तरीके से संभाली जा सके। और उसके बाद जैसे ही ये समय पूरा हो जाएगा 1 तारीख के बाद, फिर उनके शेड्यूल में डाल के और वो सारे जो किसानों की जो फसल है उसको फिर मंडी में ले जाके वो सब बिकने का काम होगा। जो हमारी फसलों की कुछ समस्या थी वो विधायक जी और SDM साहब थे यहाँ पे, उन्होंने उस समस्या को दूर कर दिया है और हमारी रजिस्ट्रेशन की समस्या थी या किसी के फसल की कटाई की कोई दिक्कत थी तो उनका समाधान हो गया है। गाँव के अंदर कंबाइन या गांव के लेबर की उनको परमिशन दी गई है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे गाँव के अंदर जो केस पॉजिटिव मिला था उसके परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो एक लड़का था, उसकी पहले पॉजिटिव आई थी लेकिन आज सवेरे उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पूरे गांव को 6 बार सैनिटाइज किया गया है। आज खाने की कोई परेशानी नहीं है जी। जिसको भी जो समस्या है थी तो किसी को अट्टे दिया, किसी प्रकार की सरकार की तरफ से उनको राशन भी दिया गया है, जो जिसके जिसको डिपो से पहले राशन मिलता था उनको राशन पहुँचाया गया है, घर घर ही पहुँचाया गया है। जैसे कि आपको विदित है यहाँ रसीन गांव में
क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव केस आए तो इसे बतौर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था जी जी जिलाधीश महोदय करनाल द्वारा, जिसके अनुसार 28 दिन तक उनको लोगों को उसी कंटेनमेंट जोन के अंदर ही रहना होता है। उसमें मेन जो समस्या लोगों की थी फसल की कटाई संबंधित जी जी, तो उसमें जिलाधीश महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि फसल कटाई की जा सकती है परंतु बाहर से कोई मशीन नहीं आएगी जी जी, और अंदर के ही रहते हुए अपना कटाई करके फसल अपने पास रख लेंगे। और 1 मई जब 28 दिन पूरे हो जाते हैं इस गांव के कंटेनमेंट जोन के, तो उसके बाद दोबारा से रिव्यू करेंगे सिचुएशन को और उसी के अनुसार कंटेनमेंट जोन पर जो भी कार्रवाई आगे बनती है वो 1 मई के बाद की जाएगी। जी फसल मेरा ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा था, पिछले कई महीनों से चल रहा था, काफ़ी किसानों ने उस पर कराया भी होगा। जो कुछ किसान अगर रह भी गए हैं जो इस समय इस कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं तो उनकी भी व्यवस्था ही गाँव में करवा देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.